अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और रमजान का पांचवा रोजा आप लोग को बहुत ज्यादा मुबारक। तो गाइस आज जो है ना मैं मम्मा को दे रही हूँ सरप्राइज। हाँ सरप्राइज, और वो सरप्राइज ये है कि आज जो है मम्मा की किचन में नो एंट्री है। ओए मेरा चूल्हा 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 दे दो, गिर जाओ जरूर जरूर दो, पकौड़े जल जाएंगे। अब ठीक है, तो आज मम्मा को दे रहे हैं मैं और ममता सरप्राइज। छह बज चुके हैं, ऑफिस से आ गई थी, पूरा घर साफ कर लिया था और तारी मैं और ममता बना रहे हैं यार। वैसे तो मम्मी हमारी हेल्प कराती है किचन में, यानी कि हम मम्मा की हेल्प कराते हैं, लेकिन आज सारी की सारी तारी बनाएंगे मैं और ममता। हाँ बहुत सारी चीजें जो है वो रेडी कर ली है, पकौड़े तैयार हो रहे हैं कढ़ाई में, दही बड़े बना के रख दिए हैं, मतलब पानी में डिप करके रख दिए, सिर्फ दही में डिप होना बाकी है। आज मैं बना रही हूँ तो आलू के पराठे बनाऊंगी या भरता बनाऊंगी। नहीं पराठा बनाऊंगी, मम्मी कह रही है बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है इसलिए पराठा नहीं बनाओ। पराठे तो पराठे खाना है मम्मी का, तो रोटी के साथ भरता खा रहे हैं तो मैं रोटी के साथ भरता बना। नहीं ठीक है गाइस, तो मैं बना रही हूँ ममता के लिए आलू का पराठा और मम्मी के लिए आलू का भरता। अब मैं क्या करूंगी इसको जो है ना अलग 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 सेपरेट कर दूंगी, और टाइम जो है बहुत कम है, मुकाबला बड़ा सख्त है और बहुत सारी चीजें करने वाली, तो आए आप लोग मेरे साथ साथ काम करवाएं। क्या बना रही हैं आप मुझे सही सही बताएं, आप मुझे बना के दे, आप मुझे पराठा बना के देंगे? मैं पराठा बना दूंगी लेकिन दो बनाना, बहुत भूख लग रही है तुम्हें जी। पता है मैंने आज कोल्ड ड्रिंक से रोजा रखा था, तो हमने कहा था कोल्ड ड्रिंक से रोजा रखो, तो हमने तो नहीं कहा था। शहरी में जो चीजें खाने वाली होती है ना उसको खाना चाहिए, फजूल की लंच वाली चीजें नहीं खानी चाहिए। अगर मैंने कोल्ड ड्रिंक से रखा था मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने सुना है कि तुम्हारा पेट भी खराब हो गया इन चीजों से। नहीं तो गाइस ये पकोड़े भी बन गए हैं, अब मुझे नहीं पता क्योंकि मेरा रोजा है ना, तो मैं इन पकोड़ों को बिल्कुल भी ट्राई नहीं कर सकती हूँ। अब इसमें नमक तेज है। नहीं मैंने सुना है कि खाना ट्राई कर सकते हैं। नहीं कर सकते खाना, नहीं ट्राई कर सकते। तो अभी जो है हम लोग पकोड़े बना रहे हैं। ये आपने किस शेप के दही बड़े बनाए हैं? ये गोल 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 बनाए, अभी डिप हो जाएंगे ना। और देखो कितना प्यारा लग रहा है, इसमें डिस्को डली हुई है क्योंकि इसके ऊपर जो है ना वो ऑयल आ रहा है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं आलू का बैटर और उसका बैटर अलग अलग कैसे करूं यार। कितने रहते हैं ये? ये बहुत ज्यादा रहते हैं मम्मा, दूसरे चूल्हे पे ना मैं ये रख दूं। आप मम्मा के बगैर काम सही कर पा रही हैं किचन में? किचन का सारा काम जो है ना मैं ही संभालती हूँ, पहले आप लोगों को शक्ल दिखाना। हाँ देख लो ये रही शक्ल, बड़ी गंदी है। किचन का सारा सामान, किचन का सारा काम मैं ही संभालती हूँ। तुम लोग तो जो है ना अभी धुआं धुआं वर्दी जो है वो किचन के अंदर आने लगे जी। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। नहीं होती ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। चलो अब आप हमें रो के दिखाओ। क्यों रो के दिखाओ, इसका ऐसे कुछ नहीं होता मेरा। तो गाइस यहाँ पे तैयार हो रहा है आलू का भरता, आधा पराठे का अलग कर लेती हूँ और आधा जो है इनकी जो मम्मी के लिए जो भरता है उसका मैं अलग करेंगे। क्या पता है आज जो है ना हफ्ते का दिन था गुजर गया, हफ्ते वाले दिन आपके साथ ऑफिस में, आज मेरे साथ ऑफिस में हो गया। मोए। वैसे तो आए दिन बहुत सारी चीजों पे हमारे साथ मोए मोए होता ही रहता है, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही मोए मोए हो गया हमारे साथ। इसलिए मोए मोए हुआ क्योंकि हमारे जो ओनर्स है ना उन्होंने खोल दिया हफ्ता, और कुछ लोग इतना बेजार हो रहे थे, इतना बेजार हो रहे थे, मुझे भी इतनी नींद आ रही थी, लेकिन क्या करें मजबूरी थी। लोगों को रमजानों में ना उनके ओनर जो दूसरी कंपनी वाले ना रिलैक्स देते, हमारे वाले जो ना हमारी कहते हैं कि यार आओ और काम करो, पूरी दुनिया में रिलैक्सेशन मिलती है, पूरी जहां में रिलैक्सेशन। तो क्या मतलब रमजान के अलावा भी आप हर सैटरडे जाया करेंगे? नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, और अगर नहीं ऐसा नहीं हो सकता तुम जो ना शुभ शुभ बोलो, ऐसी कोई कहानी नहीं है भाई। मैं नहीं जाऊंगी हफ्ते को, बस ये पहला हफ्ता था ना ट्राई कर लिया। दो लोगों की मीटिंग के चक्कर में इन लोगों ने पूरे ऑफिस वालों की नींद खराब की है, जितना भी स्टाफ था ना इतने सारा स्टाफ इतना परेशान हो रहा था कि मैं तुम्हें बता नहीं था। चलो अब अफ्तारी बनाओ, उसके लिए थोड़ी देर में आते हैं ना कैमरा ऑन करते हैं, सही है? गाइस बहुत सारी चीज़ें जो है वो तैयार कर ली है मैंने, और मैं मुंतहा को ढूंढ रही हूँ। उसको मैंने कहा था कि मेरे साथ हेल्प करवा देना, लेकिन ये मुझे नज़र नहीं आ रही है, पता नहीं कहाँ पर बैठी हुई है। अच्छा तो वॉशरूम में थी, तो मैंने तुमसे कहा था कि मेरे साथ हेल्प करा दो, तुम यहाँ पे बैठी हो, तो मैंने कहा दही ला दो नीचे से, ला दो ना जाके, टाइम थोड़ा रह गया है। बच्चों पेपर है मेरा परसों। तो इसका मतलब तुम अफ्तारी भी नहीं करोगी है ना, तुम अफ्तारी भी नहीं करोगी ना, इसका मतलब नहीं
गाइज आप लोगों की भी छोटी बहनें क्या ऐसी बहानेबाजियाँ करती है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग। उठो, हेल्प तो तुमने कोई कराई नहीं, पकौड़े बना लिए मैंने, उठो फिर हम, टाइम हो रहा है ना, उठ जाओ, दही ला दो मुझे ताकि मैं चीज़ें बना लूँ ना बाकी सारी। हाँ मैं दे दूँगी तुम्हारा पेपर, तुम पहले जो है ना मुझे दही ला कर दो। ये जो बहनें होती हैं ना उफ, इनके साथ जो है ना बड़ा दिमाग खपाई करना पड़ता है। देखिए मेरे पकौड़े वही तैयार हो गए हैं, आलू का भरता भी मैंने तैयार कर लिया है, अब बारी है रोटियों की। या तो मैं पराठा बनाऊंगी इसके साथ या फिर मैं बनाऊंगी सादी रोटी, तो मम्मी को तो सादी रोटी खानी है इसलिए मैं सादी रोटी बना रही हूँ। मुंतहा टाइम कम है, जाके ला दो, मैं दूसरी मरतबा इस कमरे में आ रही हूँ। मुझे बताओ आलू के भरते के साथ पराठा खाओगी या रोटी? आलू के भरते के साथ। मैंने नहीं, आलू का पराठा नहीं बनाया, टाइम नहीं है बिल्कुल भी भाई, टाइम नहीं है ना, क्या करूँ मैं, नहीं खाना तो मत खाओ, मर्जी है, मैं किसी की इतनी ज़्यादा फरमाइशों पूरी नहीं कर सकती गाइस, तो मैं खुद ही काम कर लेती हूँ, आप लोग मेरे साथ रहे, मैं आप लोग के साथ बस आलू की जो रोटियाँ बना के उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस सारी इफ्तारी वगैरह बन चुकी है और मम्मी को भी मैंने दस्तरखान पे बुला लिया है ना, तो दही बड़ोगे तो पता नहीं क्या ही बन गए हैं। मैंने बनाना चाहा था दही बड़े लेकिन कुछ और ही बन गए हैं, क्योंकि दही नहीं लाके दी मुल्तान ने और दस्तरखान भी हमारा रेडी हो गया। और ये देखो क्या नहीं लाके दी, बना क्या, ये देखो बिना दही के दही बड़े, आज का टाइटल है बिना दही के दही बड़े। तो दही बड़े तो हमारे यही हैं, अब हम रोज़ा खोलेंगे क्योंकि दस्तरखान सज चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी बैठें, दुआ करें और रोज़ा खोलें और फिर आपसे मिलते हैं। हमारी इफ्तारी वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है, बर्तन वर्तन भी सारे मैंने समेट लिए हैं और मम्मी को आज मैंने यार बिल्कुल भी नहीं आने दिया किचन के अंदर, क्योंकि जो है ना उनकी कमर में थोड़ा सा झटका आ गया था और उनसे ना बैठा जा रहा है ना ही उठा जा रहा है, तो मुल्तान ने ना उनको ऑयल लगा दिया था, थोड़ा सा मसाज किया है, लेकिन अभी थोड़ी देर में वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। तो आप लोगों ने भी इफ्तारी कर ली होगी होप सो। तो ये था आज का व्लॉग यार, लेकिन पता है क्या, ये जो मेरी छोटी बहन है ना इसको मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये जो फारिग उल फुर्सत बहन है ना इतनी कामचोर, इसने कोई भी काम नहीं कराया मेरे साथ, ना कोई इसने इफ्तारी बनाई, दही भी जो है ना वो मम्मी ने ऑनलाइन बाहर से मंगाई थी, वो दही भी नहीं लेके, बिल्कुल सुबह से भूखा है, उसके पंजे ही नहीं आए हैं और ये मुझे देखो किस तरह से लुक्स करा रही है, है ना, ये तुम इतनी काम चोर हो, मैंने तो मैं अपनी हेल्प कराने के लिए बोला था लेकिन तुमने मेरी कोई भी हेल्प नहीं कराई है। आज मैं ऑफिस से आई हूँ तो घर की सफाई घर का काम किसने किया? मैंने। तुमने किया? हाँ। काश गाइस मैं उसका भी ब्लॉग बनाती ना तो वो आपको दिखता कि घर की सफाई आके रोजे में किसने की, लोग मुझसे रोजे में काम करवाते हैं, इनको पहले से पता है कि मैं जो रोजे में रोजा मना नहीं करता, मुझे पता है रोजा मना नहीं करता काम कराने से, लेकिन अगर कोई इंसान वीक फील कर रहा है ना, नहीं पढ़ो नहीं, एक तो जब भी कोई काम की बात करो ना इनको कोई नसीहत ही करो तो इनका पढ़ना शुरू हो जाता है, और उस वक्त कह रही थी कि मैंने पेपर देना है अभी, तो जाओ तुमने इफ्तारी भी नहीं करी होगी पेपर देने के लिए, है ना, है ना, है नौसत, हर वक्त नेस्ती फैलाती रहती है। तो गाइज ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ पता है कौन लोग नहीं करते कमेंट वीडियो के नीचे, जो लोग मुझसे जलते हैं ना फरीना मुगल से, जो लोग जलते हैं वो वीडियो के नीचे कमेंट नहीं करते, और जो लोग मुझसे प्यार करते हैं मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं वो लोग लाजमी वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे और मुझे दुआएं देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो पे कमेंट करना है और प्यारी प्यारी दुआएं देनी है, और आपका रमजान कैसा गुजर रहा है आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। देखो अल्लाह हाफिज कैसे कह रही है, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और अल्लाह हाफिज़।